हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कभी कभी बोल देते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स। यानी सेंट्रीपेटल फोर्स या फिर सेंटर सीकिंग फोर्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो दोनों एक ही फोर्स है। तो अब हम जानते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसने एक धागे से एक स्टोन को बांधा हुआ है। अभी इस स्टोन को वो घुमा रहा है तो ये स्टोन क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, ये बच्चा इस स्टोन में एक फोर्स लगाएगा और ये स्टोन एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा विद एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए परमानेंट एक्सेलरेशन भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये सब कैसे हो पाता है, तो इस सब के लिए हम कह सकते हैं कि हर एक सेकेंड में क्या होता है कि ये जो पत्थर है इससे एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है। यानी ये पत्थर कहीं भी जाएगा वहाँ से एक इनसाइड यानी सर्कल के अंदर की तरफ, ये कह लो सर्कल के सेंटर की तरफ जो है एक फोर्स लग रहा होता है, इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यानी एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की साइड लग रहा होगा जो इस पत्थर को अपने इस रास्ते पे बांधे रखता है। यानी कि ये पत्थर इसी रास्ते में मूव करेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। क्या हो अगर ये फोर्स ना हो, तो अगर देखो ये फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो स्टोन यहाँ पे है और ये फोर्स नहीं, तो ये स्टोन फिर सीधे निकल जाएगा। यानी इसका एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे जो थ्रेड आ रहा है, जो रस्सी आ रही है, वो टूट जाए, तो ये टूट जाएगी तो स्टोन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, सीधी डायरेक्शन में, फिर वो अपने इस सर्कल वाले पथ पे राउंड नहीं करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल वाले पथ पे राउंड करता रहता है एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ, जिसमें हर एक सेकेंड एक्सेलरेशन भी लगता रहता है, तो ये सब हो पाता है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। ओके।